अतरी से हार के आए, उसी तरह से बेला भी हार के जाएंगे। कोई यहाँ बदलाव होने वाला नहीं। जो 35 साल से हम लोग लालू जी के साथ हैं, तेजस्वी जी के साथ हैं, लालटेन के साथ हैं, हम लोग सब उन्हीं के साथ रहेंगे। अभी चुनाव में आएगा और झूठा झूठा वादा करके और फिर वो लोग अपना अपना बिजनेस में लग जाएगा। तेजस्वी जी का भी बयान आया है कि मुसलमान को कोई अगर कुछ करके दिखाए उसके बाद हम पता चला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। नमस्कार, मैं हूँ कमलनाथ, आप देखना शुरू कर चुके दोस्तों फ्री बात। हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बार बेलागंज में किनके साथ जनता है जो खड़ी। आपको पता था कि यहाँ से 35 साल से विधायक में जीतते हुए आए सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, अब सांसद बन के पार्लियामेंट है तो पहुँच चुके हैं, तो विश्वनाथ यादव जी का टिकट मिला है RJD से यानी लालटेन से, तो जनता किनके साथ इस बार खड़ी है हम जनता से जानेंगे। सबसे पहले क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। क्या कहिएगा, इस बार बेलागंज में उपचुनाव होने वाला है जो विश्वनाथ यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग किन के साथ खड़ी है? हम लोग विश्वनाथ जी के साथ है, तेजस्वी यादव तेजस्वी जी के साथ है, इनसे बढ़िया कोई प्रत्याशी बेलागंज में हो ही नहीं सकता। इनके इनसे अच्छा कोई है ही नहीं? कोई नहीं, इनसे बढ़िया कोई प्रत्याशी हो ही नहीं सकता। वो शुरू से समाज सेवा करते आ रहे हैं, हर एक गरीब के हाँ सुख दुख में साथ रहते हैं, हर एक मरनी जीनी न्योता पहानी शादी ब्याह सब विश्वनाथ जी करते आ रहे हैं शुरू से, हर वर्ग हर समाज को लेके चलते हैं। वैसा इनसे बढ़िया कोई नेता बेलागंज में नहीं हो सकता। इनसे कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं? ना, इनसे बढ़िया कोई नहीं है। अभी चुनाव में आएगा और झूठा झूठा वादा करके और फिर वो लोग अपना अपना बिजनेस में लग जाएगा। JDU से प्रत्याशी बन करके आई है मनोरमा देवी, ठीक है, जो पिछले बार 2020 में चुनाव लड़ी थी अतरी से, वहाँ से भी उनका हार का सामना करना, तो बेलागंज में क्या स्थिति होने, बोल रहे यादवों का वोट है जो ट्रांसफर होने वाला है उधर? नहीं, कोई ट्रांसफर ना होगा, जैसे वो हार अतरी से हार के आए उसी तरह से बेला भी हार के जाएंगे। कोई यहाँ बदलाव होने वाला नहीं। जो 35 साल से हम लोग लालू जी के साथ हैं, तेजस्वी जी के साथ हैं, लालटेन के साथ हैं, हम लोग सब उन्हीं के साथ रहेंगे। उन्हीं के साथ रहेंगे हम लोग। तो लोग बोल रहे हैं, हवा चल रहा है कि यादव है जो टूट रहा है और एक आ गया है या एक जन सुराज अमजद को टिकट है जो मिल चुका है, तो बोल मुसलमानों का वोट है जो उधर क्यों चलता है, तो यादवों के पास वोटर तो सिर्फ यादव के वोट करेंगे ना लालटेन? यादव जो है जो RJD छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, समझे, और अमजद जी तो चुनाव लड़ सकते हैं, लोकतंत्र है, लड़ने में कोई अथी नहीं है, लेकिन जनता उनको भी 3 बार परिणाम देके देख चुका है अमजद जी को, उनका तो चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। मुसलमानों का तो ट्रांसफर होगा ना कुछ वोट? नहीं, कोई मुसलमान सब RJD की तरफ है, तेजस्वी जी की तरफ है। अच्छा, वैसा शुरू में जो तेजस्वी जी का भी बयान आया है कि मुसलमान को कोई अगर कुछ करके दिखाए उसके बाद हम पता चला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, तेजस्वी जी का भी बोले हैं। आप लोग लालटेन के साथ खड़े? हम लोग सब लालटेन के साथ खड़े पूरा। कुछ मतलब जी, मतलब आप लोग नहीं बदलने वाले? ना, हम लोग कैसे बदल जाएंगे, हम लोग शुरू से RJD के साथ हैं। हाँ, शुरू से RJD के साथ। आप आइएगा इधर थोड़ी सी, आप आइए। क्या ना, कहाँ से आए? हम तो बेल से आए हैं। जन सुराज भी आप लोग का प्रलोभन है सो दे रहे हैं कि हम पहले तो खिलाफत हुसैन को टिकट मिला जो मिर्जा गालिब के प्रिंसिपल थे, ठीक है, रिटायर्ड थे, तो अब है जो उनको ना टिकट मिल के PC करके मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, अब है जो अमजद को टिकट मिल गया है जन सुराज से और एक AIM का आप लोग का साथ में, तो आप लोग किन के साथ बेलागंज में खड़ी है? देखो, हम लोग भी तो लालटेन के जो है सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हाँ, लालटेन को सपोर्ट करेंगे। हाँ, क्यों भाई? अच्छा पार्टी है, कुछ काम करके दिखाएगा। अच्छा, करेगा कुछ काम, सब तो नया पार्टी आए अभी इनको थोड़ा टाइम लगेगा संभलने में। समय संभलने में टाइम लगेगा, अभी संभालने में समय लगे। हाँ, बड़ी हवा मार रहे हैं कि अभी तो लगता है कि कबाड़ के बीके देंगे बेलागंज में, और आपका कौन कबाड़ के बीके? जन सुराज बोल रहे हैं, शांति तो वो भी नया पार्टी है भाई, आया है, ऐसा अगर वो जम जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर वो उभर के आया है, ऊपर आया, कुछ काम करके दिखाए, जनता उससे खुश होगा तो बहुत अच्छी बात है। बेलागंज के मुसलमान किन के साथ खड़ी है? एकदम आपका वोट किधर जाएगा? हम RJD की तरफ ही जाएगा, RJD की तरफ ही जाएगा। आप कहाँ से आए? बेला से आए। बेला कौन पंचायत? बेला थाना भलुआ पंचायत है। तो मतलब कि आप लोगों का वोट ट्रांसफर उधर नहीं हो? नहीं, नहीं। लालटेन कोई वोट मिलेगा? बस बस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बोल भाई, RJD जीतेगा यहाँ से और का? RJD जीतेगा। हाँ हाँ, यादव उधर से लड़ रहे हैं कैंडिडेट। यादव को लड़ने से क्या होगा? हम लोग को तेजस्वी
हम लोग को तेजस्वी के देखना है, बीजेपी को भगाना है, समझे। 35 साल का जो किला को उसको कबाड़, रौकी यादव हम लोग के भाई गलत नहीं है, किशन गलत बोले, मनोरमा देवी आई है, हम लोग भाजपा के प्रचार प्रचारक में है ना, है प्रचार प्रचारक में तो ही है ना, कौन ना ना सब आता है। हम लोग आरजेडी हैं और बीजेपी यूनाइटेड को भगाना है, समझे, तो तीर पे भगाना है, नहीं भगावेंगे तो देख रहे हैं महंगाई कितना हो गया, आसमान छू रहा है, गरीब आदमी को खाना नहीं मिल रहा, 4 रुपया के अब तेल नहीं देता है, 10 रुपया के आलू नहीं, 10 रुपया के आलू लालू यादव के राज में 2 रुपया 3 रुपये किलो आलू था, अब अभी 40 रुपये 50 रुपये किलो आलू हो रहा है, बताइए क्या फिर नीतीश कुमार के देख के बुढ़वा के बनत रहेगा जनता। आरजेडी रहेगा जिंदाबाद। विश्वनाथ यादव जी कैसा कैंडिडेट है आपके नज़र? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हाँ समाज सेवा में लगे हुए रहते हैं, कहीं भी गरीब गुरबा को जाकर बेचारा शरीर से बांधता है, मेहनत करता है, हाँ हर चीज में, शादी में, विवाह में, मरनी में, हर चीज में करते हैं, हाँ हम लोग तेजस्वी के साथ है, विश्वनाथ जी के साथ है,